करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ जो धार से मिल रही है। बोरचाला के सर्वे का आज 73वां दिन है। एएसआई के 15 अधिकारी साक्ष्य जुटा रहे हैं। सर्वे टीम के साथ 42 मजदूर भी शामिल हैं। बता दें आपको कि बोरचाला में इस वक्त 3 लेयर सिक्योरिटी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने इस बीच एक बड़ा दावा कर दिया है। खुदाई के दौरान एक बड़ा कटोरे नुमा पत्थर निकला है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान का बयान इसको लेकर आया है। उन्होंने कहा कि पानी के कुंड जैसा पत्थर मिला है। एएसआई ने इसे संरक्षित भी कर लिया है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अब भी चल रही है। तो सर्वे टीम के साथ 42 मजदूर मौजूद है। 3 लेयर सिक्योरिटी में इस वक्त बोरचाला में सर्वे हो रहा है और यहाँ पर बड़ा दावा किया गया है कि खुदाई के दौरान एक कटोरे नुमा पत्थर निकला है। हमारे साथ लोकेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 73वां दिन है आज, हर दिन कुछ ना कुछ नया सर्वे टीम को मिलता है और आज एक कटोरे नुमा यहाँ पर कुछ आकृति मिली है। क्या जानकारी आपके पास, क्या है ये, क्या कुछ दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से? जी हाँ, आज जो है भोजशाला में एएसआई के सर्वे का 73वां दिन है। एएसआई के कई वरिष्ठ अधिकारी और मजदूर सुबह भोजशाला में दाखिल हुए हैं। सुरक्षा के यहाँ पर प्रबंध व्यवस्था की गई है, पुलिस की प्रोटेक्शन यहाँ पर सतत जारी है। जो भोजशाला मुक्ति संगठन के जो संयोजक है, साथ ही हिंदू पक्षकार जो नियमित तौर पर भोजशाला के सर्वे में शामिल है, उनका दावा है कि यहाँ पर जो खुदाई हो रही है उसमें एक बड़ा कटोरा नुमा पत्थर निकला है जो मंदिर के शिखर का बेस है। यानी ये महत्वपूर्ण बात जो है, गोपाल शर्मा जो कि हिंदू पक्ष याचिकाकर्ता भी हैं तथा इस भोजशाला के जो मुख्य आधार है, उन्होंने यह दावा किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ा पाषाण अवशेष भी इसमें मिला है। इस खुदाई के दौरान अभी उसकी सफाई होना बाकी है, साथ ही इसके सफाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी आकृति क्या है। लेकिन जो ये शिखर का जो ये पत्थर जो मिला है, इसे शिखर का आधार बताया जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं, जो इस भोजशाला में नियमित तौर पर वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि यह पानी कुंड जैसा एक पत्थर है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एएसआई की टीम इस गौशाला में अपनी सर्वे को जारी रखे हुए है। 72वें दिन जो कल था उसमें भी कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई थी। गर्भगृह जो है उसके उत्तरी भाग में खुदाई करके मिट्टी हटाने का कार्य भी यहाँ पर व्यापक स्तर पर किया गया था। और साथ ही उत्तर दिशा जो में 2 पाषाण अवशेष की बात भी कल भी कही जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि 73वें दिन भी एएसआई की टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो की पुरातन काल की बताई जा रही हैं। धीरे धीरे ये चीजें सब सामने आ रही है। एक सवाल ये भी है कि 73 दिन बीत चुके हैं जब से सर्वे शुरू हुआ है, अभी पूरे अगर दिनों की सभी दिनों की बात करें तो यहाँ पर फैसला किस पक्ष की ओर जाता दिख रहा है? जो सबूत यहाँ पर जुटाए जा रहे, जो साक्ष्य मिले हैं, वो किस ओर इशारा करते हैं? क्या वाकई यहाँ पर मंदिर हुआ करता था? जी, आपने बड़ा प्रश्न किया है, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे कि न्यायालयिक मामला है और इस न्यायालयिक मामले पर के दौरान ही एएसआई यहाँ पर सर्वे कर रही है। लेकिन फिर भी जो दावे हिंदू पक्ष के द्वारा और मुस्लिम पक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं, उनकी पुष्टि के आधार पर हम यह आपको INS 24x7 चैनल के माध्यम से बता दें कि यहाँ पर 73वें दिन के सर्वे के आधार पर जो आपने प्रश्न किया है, मैं उसका जवाब बता रहा हूँ कि जो मुख्य आधार है, जो भोजशाला है जो राजा भोज के द्वारा बनाई गई थी और ये एक पाठशाला हुआ करती थी, माँ सरस्वती का वाग्देवी का मंदिर हुआ करता था, उसी दिशा की ओर यह सर्वे दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर मामला पूरा मंदिर का दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं INS 24x7 पर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। तो देखिए, भोजशाला के 73वें दिन का सर्वे आज हो चुका है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और अब फैसला कोर्ट करेगा कि आखिरकार भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद है।